हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, इट्स माय बर्थडे ईव और अभी यहाँ पे चल रहा है सेलिब्रेशन पार्टी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, खाना बन रहा है उधर भी, ठीक है। और अंकल बना रहे हैं, जो बनाते हैं बहुत टेस्टी खाना। और ये सारे आए हुए हैं बराती। और अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी डेकोरेशन करनी है, फिर आपको दिखाएंगे। ओके, तो दोस्तों मैं आपको तब से बात मिल रही हूँ अब। और ये पीछे आपको डेकोरेशन दिख रही होगी, जो कि मैंने ही करी है, ठीक है। हेल्प बहुतों ने करी है, मासी ने करी है, सारे आ गए हैं। वो देखो ना, मासी, मामी, मासड़, बाकी अभी कुछ जने बाहर है जो कि आ रहे हैं। मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। इसी वॉल पे करिए, क्योंकि इतने में फोटो आएगी ना, इसलिए। और ये पीयूष भाई है, मैं कौन है रेडी भी। टाइम कितना हो रहा है? टाइम बता दो। टाइम 10:30 7:30 हो रहे हैं। तो बस अभी तो 7:30 भी नहीं हुए। बहुत टाइम अभी रेडी वेडी होंगे, फिर आपको दिखाएंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं, खाना वाना बन गया, डेकोरेशन हो गई है। और बस क्या, बस क्या यार, चटनी ले लो ना। इसमें आपको एक बात बताना भूल गई कि मैं नेल्स कराया हूँ। और यार पता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, मतलब पहले जो मैंने नेल्स कराए थे ना, उनसे मैं ये वाले नेल से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि यार मैं पहले के नेल्स, मैंने पता है इतने अच्छे अच्छे कराए थे मैंने, और मैं अभी भी अपनी थिंकिंग से करा रही थी। पर ना उन दीदी ने नेल पेंट यूज कर दी यार, मतलब ओकेश है, ठीक है, पर मुझे इतने पसंद नहीं आए। कैमरा आई थिंक जज कर रहा है, नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, बट ये बो है रिंग फिंगर पे और प्लेन नेल पेंट है। तो मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि वृंदावन में होली में ना खराब भी हो जाए। कैमरे में तो दिखाती है, वही तो कैमरे में अच्छे लग रहे हैं। और इसने पता नहीं कैसा कलर करा लिया, पागल है ये, ठीक है। तो ये डेकोरेशन आपने देख ली, और अभी हम बैठे हुए हैं। तो अभी मेरे को होना रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। और ये दीदी तो बिजी रहती है। गाइस, दिस इज माय टुडेज आउटफिट। तो मैं पहनने वाली हूँ ये टॉप, जो कि लाई थी मैं लक्ष्मी नगर मार्केट से। कितने का लाई थी? तुम डेकोरेशन दिखा दी? हाँ, फ्री करी है। 250 रुपए का लाई थी मैं टॉप, तो मैं ये पहनूंगी। अच्छा लग रहा है ना, तो यही पहनूंगी मैं आज। बिल्कुल छोटे बच्चों का बर्थडे नहीं होता, पिंक डेकोरेशन, पिंक कपड़े, चॉकलेट केक, वही सब हो रहा है, क्योंकि पिंक डेकोरेशन है, ठीक है। ऊपर से पिंक ही कपड़े हैं मेरे। तो देखते हैं बाकी आपको, जब हम रेडी हो जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ओके, इसमें सिर्फ ये टॉप तो नहीं पहनूंगी ऑब्वियसली, इसको मैं पेयर कर रही हूँ व्हाइट जीन्स के साथ। सो दिस इज माई व्हाइट जीन्स एंड दिस इज माई पिंक टॉप। और इसको पहन के मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ थोड़ी देर में। पता नहीं शायद लाइट सही नहीं आ रही, तो मैं आपसे इसको पहन के रेडी होके फिर मिलती हूँ। बाकी तो आप आगे आगे देखते रहना, कि कटिंग एंड ऑल मस्ती भी करेंगे काफी। तो मिलते हैं आपसे। भाई जो गिफ्ट्स वगैरह होंगे ना, मैं उसको कोशिश करूंगी कि मैं इसी ब्लॉग में बना लूँ, क्योंकि यार मैं कल चली जाऊंगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अलग से कुर्ती अलग से मैं गिफ्ट ब्लॉग बनाऊं, तो वो टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि आने में फिर, ठीक है। और तब तक मेरे से, क्योंकि वृंदावन चले जाएंगे। जब मैंने तेरे को बोला कि गिफ्ट ब्लॉग बनाई हो, तो तूने कहा कि गिफ्ट मिलेंगे, तो ना तो जब मिलेंगे ऑब्वियसली यार, मैं बुला रही हूँ सबको। किस लिए बुला रही हूँ? गिफ्ट के लिए। तो जब मैं देख फोन में कितने अच्छे आ रहे हैं, तो ठीक है। तो जो वो जो भी कुछ होगा, मैं आपको इस ब्लॉग में साथ साथ बता दूंगी, रात को बताऊंगी, क्योंकि मेरी पूरी रात में जगने ही वाली हूँ। क्योंकि सुबह 5-7 बजे की मेरी ट्रेन है, और 5 बजे तक मैं निकल जाऊंगी। तो 5 बजे तक निकल जाऊंगी, तो ऑब्वियसली आज जगती रहूंगी, मेरे को वैसे ही नींद नहीं आती। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रेडी शेडी होके। गाइज, आई एम रेडी, आई एम डन माई मेकअप, हो गया मेकअप वैसे पूरा, ठीक है। लाइट सा मेकअप कर लिया, और अपने कपड़े जो आपको दिखाए थे आउटफिट में वो पहन लिया। और ये मास्टर जी, तो इसको रख दो यहीं पे, मुझे दोबारा पहनना है। तो हम हो गए हैं रेडी शेडी बिल्कुल। और ये रे मास्टर जी बैठे हैं। और टाइम कितना हो गया, रुको मैं आपको दिखाते हो। और मैंने अपनी ये वही सरोजनी वाली 150 रुपए की वॉच कैरी कर लिया साथ में। टाइम नौ बज गए हैं, हाँ 9 बज गए हैं, तो 3 घंटे बचे हैं। और आप बताना कि मेरा आउटफिट और मेकअप कैसा लग रहा है।
आपको आवाज नहीं आ रही होगी। बैठ चुकी हूँ यहाँ पे और ये लोग अभी भी लगे हुए हैं। मेरा गला भी यार ठंडा पानी पी गया, मैंने कोई काम नहीं किया, मजा आ गया। और अब मुझे लग रही है भूख कम खाएंगे खाना। गाइस आपने मेरे लास्ट क्लिप्स देखी होंगी घर पे, मतलब जब मैंने आपको दिखाया था मैं रेडी हो गई थी। देन फिर पता है मैं शूट करना ना बहुत कम क्लिप्स शूट करी है डायरेक्ट मैंने ना, जो नॉर्मल जो मैंने क्लिप्स ऐड करी है मतलब बनाई थी ना इन लोगों ने, मेरे को नहीं पता क्योंकि ना उस टाइम भाई इतना वो हो गया था ना मैं बच गया था, तो मैं बना नहीं पाई ऐसे मतलब प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। तो जो नॉर्मल क्लिप्स बने थे ना, चुपो, जो नॉर्मल क्लिप्स बने थे ना वो मैंने इस पे सारे ऐड कर दिया केक कटिंग वाले। और भाई और एक इतना क्यूट सरप्राइज है जो कि क्या है, शिट्ज़ू, ठीक है, जो कि है जिसका नेम हमने रखा है स्टेला और वो गिफ्ट करा है भाई साहब ने जो मेरे दोस्त है, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई साहब भी कह रहे तो अभी हम अरे खराब कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने देखा होगा कि ये पीछे क्या है, तो पीछे है रेलवे स्टेशन। तो ये सारे हर्ष, कनिका, दीपिका, मैं, वंश, और हम जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं वृंदावन जा रही थी अपने बर्थडे पे, हमारी ट्रेन है, मेरी मर्जी ये। तो हमारी ट्रेन है 6 बजे की, इतनी अच्छी क्यों लग रही हूँ मैं। तो हमारी ट्रेन कितने बजे की, 7 बजे की, सॉरी टाइम कितना हो रहा है, 6-8, 1 घंटा देखो 6-8 हो रही है हमारी, 1 घंटा है हमारी ट्रेन में। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने लिए चीज और हम खा रहे हैं। और पता है यार पूरी रात से नहीं सोए और ऊपर से मैं शाम से काम में लगी हुई थी, जितनी भी घर में डेकोरेशन है भाई मैंने करी है। और बहुत मतलब ना मेरे को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले इस बार, जो कि मैं आपको मतलब घर जाऊंगी ना जब तसल्ली से तब दिखाऊंगी, मतलब फोटो फ्रेम्स है अच्छे वाले और एक तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है, ठीक है। और मतलब और भी बहुत कुछ है तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन भाई, ऐसा बर्थडे मनाने को मिले ना, हर महीने बर्थडे आ जाओ माँ कैसा, मतलब मैंने बहुत पहले से सोच, एक मिनट मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए था, शिट्ज़ू, ठीक है, स्टेला, जिसका नेम मैंने स्टेला रखा है भाई, स्टेला बोला मैंने, आज बच्चे देखे थे रे भाई, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब अलग है भाई, अलग है, सबसे हटके है भाई। मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना वो होते, और भाई वो अभी कितने महीने के हैं, 42 डेज की है, तो बाहर उसको हम ट्रेवल नहीं करा सकते, नहीं आदत है भाई बोलने की, एक बार बोलते छुट्टी होती तो कोई बात नहीं, अच्छी आदत है, आई एम नॉट स्पीक। तो हाँ जो भी है, तो हम जा रहे हैं वृंदावन, तो आपको जब हम ट्रेन में अभी हम वेट कर रहे हैं, ये पता नहीं किसकी ट्रेन खड़ी हुई है, हटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो जब मैं ट्रेन आ जाएगी तो आपको दिखाऊंगा, ओके। इस व्लॉग का एंड मैं कर रही हूँ यहीं पे, नेक्स्ट व्लॉग ना मैं डायरेक्ट वृंदावन का बनाऊंगी, मतलब ये मैं बर्थडे का व्लॉग रख रही हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट व्लॉग अलग बच जाएगा, ठीक है। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, अब आपको मिलेंगे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू, टाटा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, ओके, ऑफकोर्स, ओके, बाय।